तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। तो आज हम थे रात को पालमपुर में, यहाँ होटल में रुके थे। भाई कैसी नींद आई? बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। थे तो यार थक गए थे हम, तो निकल जाते हम निकल जाते आगे, बट थक गए थे ना, तो सोचा यार चलो क्या ही चलानी गाड़ी। और सर सही में बता मजा आ गया रात को सोने में? ऑब्वियसली थके हुए थे पूरा, प्रॉपर नींद टाइम से और टाइम से उठे फ्रेश रेडी। और भाई बाई के पीछे व्यू देखो यार, ओ भाई साहब अल्टीमेट व्यू। और सुबह सुबह धूप निकल आई है, गाड़ी हमारी नीचे खड़ी है, बस अभी आधे घंटे के अंदर हम यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि हमने नहा धो ली है, फ्रेश हो गए हैं एकदम से। और यहाँ से निकलते हैं, अभी 10:30 का टाइम हो गया सुबह का, क्योंकि अभी हमें कितना किलोमीटर जाना, 200 तो होगा ही, 200 किलोमीटर तो जाएंगे अभी। आ गया चलो जी, गाड़ी स्टार्ट हो गई है हमारी 2 मिनट में, बस अभी निकलेंगे यहाँ से। और हाईवे देखो कैसे चल रहा है सुबह सुबह, भाई हमारे गाड़ी बैक करते हुए तो आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो दोस्तों अभी एक घंटा हो गया था मेरे को गाड़ी चलाते चलाते, अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा था और अभी हम रुक गए हैं एक छोटे से कॉर्नर पे, और यहाँ पे गाड़ी मैंने पार्क कर दी। और यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें हैं, यहाँ पे कुछ खा लेंगे। भाई पानी लेके आ यार, गाड़ी को भी पानी डाल दे यार थोड़ा सा, भाई बहुत दिन से गाड़ी गर्म हो रहा है। एक सेकेंड पकड़ भाई, इसको उठाओ ऊपर से, उठा दे मेरा भाई, और उठा दे, वो फंस गया भाई, और उठाओ ऊपर, फंस गया ये। हाँ ऐसा छोड़, अब आराम से और थोड़ा सा उठा, बस छोड़ दे, इसमें डाल दे मेरा भाई पानी, भर दे इसको पूरा, क्योंकि कूलेंट तो अभी है नहीं इसमें, आधा कूलेंट है अभी, मैं एक डब्बा कूलेंट लूँगा 1 लीटर, इसको ना हाफ एंड थोड़ा और ज़्यादा फिल कर दे भाई। कितना टाइम हो गया? टाइम बज गए 1:30 को, 1:30 बज गया, 1:20 टाइम होता हुआ हम मंडी पहुंचते हुए फाइनली। भाई अभी 1:30 बजने वाला है और हम पहुंच गए जी मंडी, डिस्ट्रिक्ट मंडी, जिसको छोटी काशी के नाम से भी पुकारा जाता है। बहुत ही खूबसूरत सिटी है दोस्तों ये भी, और यहाँ से मनाली का रास्ता कट जाता है और दूसरी साइड चंडीगढ़ रास्ता कट जाता है। भाई बताओ कुछ सिटी के बारे में यार। काशी। बोले की काशी है। ओके। तो मित्रों, असी पहुंच गए मंडी, इतनी पुल आके खास मंडी पहुंची रे।
ਖਾਸ ਮੰਡੀ ਪੂਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿਰਥਨ ਵੈਲੀ ਕੁੱਲੂ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ मंडी से जी रास्ता कटता है दो जगह का जहाँ हमारे लिए एक जगह कटता है जी चंडीगढ़ सामने जो हाईवे जा रहा है ये जा रहा है जी चंडीगढ़ उस साइड जा रहा है मनाली और ये जिस हाईवे से हम आए ये आए पठानकोट से है ना और अभी हमने जाना है बाया मनाली रोड और थोड़ी दूर जाके हमें और टनल से राइट लेना है क्योंकि हम जा रहे हैं जी तिरथल वैली मनाली हम नहीं जा रहे अभी कुछ दिन भाई जी के घर जा रहे हैं बढ़िया ठंडी चिल वाइव है तिरथल वैली की और वहाँ पे थोड़ा एंजॉय करेंगे आपको भी घुमाएंगे आपको रह चुका हूँ बड़ा मजा आता है यार इतनी ठंड होती है ना गर्मियों में भी इधर मजा आ जाता है और ये राजी डैम वाला व्यू और ये राजी तिरथन रिवर का बहुत ही खूबसूरत पानी तो अभी जी हम पहुंच गए हैं बंजार वैली और यहाँ से और ये रास्ता जाता है जी तीर्थन वैली को और ये जाता है जलोड़ी पास को और हम जाएंगे तीर्थन वैली वाली साइड तो फाइनली अभी हम पहुंच गए तीर्थन वैली और ऐसा कुछ नेचर पार्क बनाया हुआ है यहाँ पे बहुत ही अच्छा है बाकी देखते हैं अंदर जाके क्या है कैसा है आपको भी दिखाता हूँ जरा ये है जी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क
तो भाई कितने साल पहले ये बनाया? 2 साल पहले? तभी तो मैं सोचूं, 4 साल पहले तो मैं आता ही रहता था इधर लगातार, अब 3-4 साल के बाद मैं आया हूँ तो बहुत अच्छा बनाया यार, मजा आ गया देख के तो, है ना। सही। और पीछे देखो कितना अच्छा ये बनाए हुए हैं कार्टून टाइप के, क्या बोलते हैं इनको, डमी स्टैचू कल्चर के, लोकल कल्चर वाले स्टैचूज बनाए हुए। यहाँ पे एक कैंटीन भी है छोटी सी जिसपे ट्रेडिशनल आइटमें मिलती हैं, अभी दिखाऊंगा आपको क्या क्या इनके पास अवेलेबल है। और ऐसा कुछ व्यू है जी यहाँ का, और एकदम चिल्ड वाइब है यहाँ पे। अभी शाम का कितना टाइम हो गया, आई थिंक अभी बज गया जी 4 बजने वाले हैं, और ठंड इतनी ज्यादा हो गई है यहाँ पे, हमने आते ही आग जला दी है भाई ने आग जला दी है और आग सेक रहे हैं। तो भाई तिरथन वैली का जो नजारा है वो आप देख ही पा रहे होंगे, सामने कैंपिंग है बहुत अच्छी यहाँ पे रिवर टच के साथ, बहुत जगह पे हर जगह आपको यहाँ कैंप मिलने वाले। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी मैं आया हूँ, यहाँ पे एक सिस्टर जी है। सिस्टर जी नमस्ते। अच्छा जी, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है लोकल में? थोड़ा जोर से। मोमोज है, सिड्डू है, ओके, ये देसी घी है। अच्छा, देसी घी है, दिखाओ जरा। अच्छा जी, हनी है, हाँ ये हनी है और ये देसी घी है, ये तीर्थन वैली का देसी घी है, ये गाय का है, देसी गाय का ना, ओके जी। और क्या है जी, ये पिकल है, अच्छा सही है ये भी। और ये भी ये देख रहा हूँ मैं, एप्रिकॉट ऑयल, हाँ ये भी अच्छा है। और वालनट वगैरह राजमा भी दिख रहे हैं मेरे को, है ना। अच्छा जी, और ये भी आप खुद बनाते हो, इसको क्या बोलते हो आप? अच्छा टोकरी बोलते हो, मतलब ये गमले के काम आती होगी ना गार्निश के लिए, मतलब घर पे लगाने के लिए बढ़िया। और सिस्टर जी ने यहाँ पे सिड्डू भी बहुत बढ़िया बनाया, अभी हमने 2-2 सिड्डू खाए हैं। और कभी भी यार कोई तीर्थन वैली आओ तो इस जगह पे जरूर विजिट करो, है ना, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला आपको। और कुछ ऐसा इंटीरियर है इनकी कैंटीन का अंदर से, और यहाँ बैठने के लिए फुल पावर सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो। आपको अगर ठंड लगती है तो आपको आग भी मिल जाएगी यहाँ सेकने के लिए, क्यों भाई? आग का कोई परमिशन तो नहीं यहाँ पे लेना पड़ेगा? फ्री बॉनफायर है ना, सही है सही है सही है। और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे, तो लो जी अभी पहुंच गए थे हम ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के शाही रोपा वाले बेसमेंट पॉइंट पे, जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो आज हमारा स्टे यहीं पे रहने वाला है, गाड़ी में ऊपर लगा के आ गया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ रिवर में, थोड़ा रिवर का व्यू आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये तीर्थन रिवर है जी, मीठे पानी वाली नदी, और यहाँ पे ट्राउट फिश भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और ये जड़ी बूटियों वाला पानी है जी। और सामने देखो जी स्नो ऊपर गिरी हुई है, यहाँ पे तीर्थन वैली शुरू होती है। और ये ट्रैक है ना GHN पर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये बहुत ही अच्छा ट्रैक है, बट आजकल मैं प्रेफर नहीं करूँगा किसी को कि कोई जाए, क्योंकि ये गर्मियों में करने वाला ट्रैक है, अभी आजकल तो सर्दियाँ हैं तो मुश्किल हो जाता है। और जी ये भाई लोग अपने साथ में चले हैं, और जी ये रहा खड्ड का व्यू नीचे, एकदम ठंडा पानी है भाई इस टाइम तो। और भाई अभी यहाँ पे रिवर देखो, लकड़ी का पूरा पीस काट के लगाया हुआ है आधा, और भाई लोग चले हैं पार, और पानी देखो यार कितना साफ है एकदम, बढ़िया वाला।